लो, ये तो सर दोबारा मैं बना अभी लेते ज्वाइन हैं किया हूँ, कुछ स्टार्ट किया है क्या? कार्बोरेट आयन, देखते हैं। बोलो, डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, यदि ये बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। इन दैट केस यहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, अब ये वाला बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कितने रेजोनेंट स्ट्रक्चर हुए बोलिए? थ्री। तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए। तो यदि इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए हम लोग, क्या होगा बेटा कि एटलीस्ट एक सिंगल बॉन्ड होगा ऑन ईच कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, और सब पर डबल बॉन्ड कंटिन्यूस क्या आ रहा है, आता है रहा है, आ रहा है, जा रहा है इस टाइप से। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग कि टोटल चार्ज कितना है आपका एक ऑक्सीजन पर, टोटल चार्ज कितना है आपका मॉलिक्यूल पर, सॉरी माइनस आयन पर, टू बाय माइनस थ्री टू। इनडेट केस सभी ऑक्सीजन पर क्या हो रहा है, बार बार डिस्पर्स हो रहा है। इनडेट केस क्या होगा, सभी ऑक्सीजन पर कितना आएगा, इट इज माइनस टू बाई थ्री, माइनस टू बाई थ्री एंड माइनस टू बाई थ्री। कोई दिक्कत? अब बात करें बच्चे अपन लोग यहां पर कि हमें इसकी बॉन्ड ऑर्डर निकालना, दैट इज एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें बच्चे अपन लोग यहां पर, दो ऑप्शंस है, आइदर किसी बॉन्ड को आप लोग कॉमन मान लो। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड कॉमन है, तो एक तरीका जो मैंने बताया था कि किसी को भी हम लोग पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं। अब कार्बन ऑक्सीजन पे हमने ऑब्जर्व किया कि बॉन्ड ऑर्डर में पहले वाले स्ट्रक्चर में वन आ रहा है, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में वन आ रहा है, तीसरे वाले में कितना आ रहा है बोलो, दो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितना है, थ्री। इन दैट केस व्हाट अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर, बोलो कितना होगा, इट इज फोर और बाय थ्री या फिर 1.33। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि थ्री ऑक्सीजन शेयर टोटल फोर बॉन्ड, तो इक्वली डिवाइड करेंगे तो फोर बाई क्या होगा आपका, थ्री। यदि एक ही स्ट्रक्चर को देख ले अपन लोग, और एक ऑक्सीजन देखिए अपन लोग, कार्बन ऑक्सीजन है बॉन्ड में, एक सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड है, इक्वली डिवाइड करेंगे इन दैट केस क्या होगा, फोर मस्ट बी डिवाइडेड बाई क्या होगा, इक्वली थ्री। चलो आगे बढ़े क्या? अरे एक मिनट, चलिए लिखा हुआ है एच सी डबल बॉन्ड ओ, दैट इज ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज। उसका देखे बच्चे अपन लोग यहां पर, जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो सर ये बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या आएगा आपका, दैट इज एच सी ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज, तो ये वाला डबल बॉन्ड। अब ये बॉन्ड बनाएगा तो फिर से टूट जाएगा, अगेन इसमें कन्वर्ट होएगा, तो क्या इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हो आप लोग, बोलिए। तो एच सी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कॉमन हो गया आपका, डबल बॉन्ड आइदर यहां पर होगा और यहां पर होगा, बोलो यस और नो। ये बैकग्राउंड में बातें कौन कर रहा है? अब टोटल चार्ज कितना है इस पर, इट इज फॉर्मेट आयन, टोटल चार्ज कितना है बोलिए, माइनस वन। यस, तो फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन कितना होगा बोलिए, इट इज माइनस वन, माइनस हाफ, माइनस हाफ, बोलिए हाँ है ना। सो व्हाट अबाउट बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, थ्री बाई टू, ऑक्सीजन एंड कार्बन में एक प्लस दो, टोटल कितने बॉन्ड है, थ्री बॉन्ड है, इक्वली डिवाइड कर दो, नेट केस कितना आएगा, इट इज 1.5। समझा क्या? बोलिए।
यस नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर अब बार बार रेजोल्ट एक्सटेंड नहीं ड्रॉ करेंगे अपन लोग सिंपल बात करेंगे लाइक लिखा है इट इज सल्फेट आयन डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज तो बात करें बच्चे इसके अपन लोग रेजोनेंस हाइब्रिड तो एटलीस्ट बना सकते हैं बोलिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन लोग सभी सल्फर को मैं सिंगल बॉन्ड जोड़ दिया टोटल ऑक्सीजन कितनी है चार ऑक्सीजन है और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना बोलिए माइनस टू माइनस टू इक्वली डिवाइड करेंगे तो हर एक ऑक्सीजन पे कितना आएगा माइनस हाफ हाफ आएगा एंड व्हाट अबाउट द एवरेज बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो एक बार डबल बॉन्ड दिया है एक बार डबल बॉन्ड दिया है एक बार सिंगल बॉन्ड दिया है एक बार सिंगल बॉन्ड दिया है टोटल कितने ऑक्सीजन के बीच में डिवाइड करना फोर यस सर बोलिए कितना आया इट बिकम्स 1.5 6 बाय 4 मतलब 3 बाय 2 मतलब 1.5 बोलो सही है क्या मतलब यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहां पर लिखा है इट इज पी डबल ऑन ओ इट इज ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज दैट इज फॉस्फेट आयन तो यदि इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो टोटल चार्ज कितना है बोलिए माइनस थ्री इक्वली डिवाइड करेंगे ऑन ईच ऑक्सीजन बताइए कितना चार्ज आएगा माइनस थ्री बाय फोर इट इज माइनस थ्री बाय फोर एंड व्हाट अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर टोटल कितने बॉन्ड है 2+1+1 इट इज 2+1+1+1 एंड डिवाइड बाय कितना होगा नंबर ऑफ एटम कितने बोले 4 एंड दैट इज कितना होगा 5/4 5/4 कितना होता है आपका 1.25 समझ रहा है क्या हाँ जी यदि किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लेना बेटा है ना आज आपके यहां पर विधान नहीं है पूछने के लिए ठीक है सर ऐसा लगता है वो कभी कभी बहुत जानबूझ के करता है वो सुनने और समझने की कोशिश नहीं करता और कुछ नहीं चलो तो एक क्वेश्चन हो जाए सर साइड प्लीज लुक नाइट्रेट आयन दिया हुआ है नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर बना दो तो क्या हम इसका हाइब्रिड बना पाएंगे बोलो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा आंसर आपको करना है सर 4/3 बोलिए सही है क्या 4/3 हाँ सर 4/3 सर 4/3 4/3 इज द आंसर बिल्कुल सही है इज 1.33 तो क्या होता है बेटा क्या अपन लोग बाय नोइंग द बॉन्ड ऑर्डर हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं स्टेबिलिटी को है ना इसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगी अलग अलग स्टेयर में उसके बेस पे क्या होगा हम स्टेबिलिटी कंपेयर कर पाएंगे अब बात करें व्हाट अबाउट द फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन देखिए अपन लोग क्लोरीन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है बोलिए 7 एंड व्हाट अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन दिस कंपाउंड प्लस 7
इन दैट केस क्या होगा, क्लोरीन टोटल सात बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज, बोलिए हाँ है ना? यस। तो क्या इसका, तो क्या इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाएंगे हम, बोलिए? सेवन बाय फोर सही है क्या? 1.75 हाँ, वो अपने इक्वल्स टू लगा रखा है ना सर, उसके आगे 1.75 पक्का ना? हाँ वन पॉइंट सेवन फाइव का डबल करेंगे कितना होगा, 1.5 सॉरी 3.5 सही 1.75 ठीक है। पार्शियल चार्ज माइनस 1/4 रहेगा ना, पार्शियल चार्ज होगा आपका माइनस 1/4, पार्शियल नहीं था, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज बोलते हैं। हाँ सर। बता भैया, समझ में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को? एक और क्वेश्चन दे दीजिए प्लीज। क्या बेटा? एक और क्वेश्चन दे दीजिए। बस वही क्वेश्चन करता हूँ, नॉर्मल ये आते जो सर। बॉन्ड ऑर्डर ऐसे ऑक्सीजन के साथ ही देखते हैं क्या? सॉरी सर, बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन के बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड के साथ ही देखते हैं क्या? हाँ, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बारे में मत करिए ना बेटा। ओके है ना। चलो एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, दैट इज द मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। वैसे ओजोन में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट को प्योर कोवेलेंट बॉन्ड यदि देना चाहो तो मैं यहाँ पर ऑक्सीजन, दैट इज अ डबल बॉन्ड, दैट इज ऑक्सीजन, बताओ किसको कॉर्नर, किसको दूंगा पॉजिटिव चार्ज, किसको दूंगा नेगेटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाले को, नेगेटिव चार्ज नीचे वाले को। पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाले को, वाइज़ो तो तीन बॉन्ड डोनेट कर रहा है, तो डोनेट करता है, पॉजिटिव चार्ज देता है। दो बातें, जो सिंगल बॉन्ड बनाएगा वो नेगेटिव चार्ज देगा, जो तीन बॉन्ड बनाएगा वो प्लस चार्ज देगा, बोलो है ना? तो यहां पर क्या आएगा आपका, नेगेटिव चार्ज। तो बताइए एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है ओजोन का? कितना, 1। अच्छा कैसे निकाला, जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड जाएगा, बोलो हाँ है ना? यस सर। यस बोलिए, व्हाट अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर? 1.5 It is 2+1 equally divide, मतलब 1.5। मतलब यदि आपसे बोले है कि among ozone and O3, sorry among O2 and O3, which one is more stable? बोलो क्या बोलोगे आप लोग? O2। तो bond order यदि देखे बच्चे अपन लोग, यहाँ पर कितना आया? It is exactly 2, क्योंकि यहाँ पर आया it is 1.5, तो which one is more stable? First one is more stable, बोलो हाँ है ना? O2 is more stable? O2 चार्ज माइनस 1/2 ना, माइनस 1/2 नीचे वाले पे एंड पॉजिटिव हमेशा ऊपर वाले पे। एक्चुअल में क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑक्सीजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बताना, तो एक और एग्जांपल ले लिए, फॉर एग्जांपल मैंने H2O2, H2O2 का यदि स्ट्रक्चर आपको पता है, That is this one. Oxygen oxygen के बीच की bond order कितना है आपका? That is 1. तो bond order ज्यादा है, in that case क्या होगा? सबसे छोटा bond होगा ये. Bond length क्या होगी? कम. Yes sir. Bond length ज्यादा होगी. Bond order मतलब multiplication, multiple bond है आपकी. In that case क्या होगी? Bond length कम हो जाएगी. सिंगल बॉन्ड की लेंथ सबसे ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की और कम होगी, ट्रिपल बॉन्ड सबसे कम होगी।
तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इन डेट केस क्या होगा, सबसे छोटा बॉन्ड ये होगा, थोड़ा बड़ा बॉन्ड ये होगा, और सबसे बड़ा बॉन्ड क्या होगा, ये वाला होगा। yes. तो भाई ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन ऑलरेडी कर गया होगा आप लोगों ने, एग्जाम वगैरह में आया होगा, कभी आया ऐसा? हाँ जी कौन सा फ्रैक्शन ऑफ चार्ज, लेकिन अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया ना उसको, अब केमिकल बॉन्डिंग कहाँ बचा, अब तो बस ये टॉपिक तो लास्ट वाला मत मिटाना। हाँ बेटा लास्ट वाला क्या, नहीं नहीं बस वो नीचे का बाकी है। अच्छा चल लिख ले, चलो एक क्वेश्चन हो जाए। आप बताइए CH3 में कार्बन की हाइब्रिडाइज स्टेट क्या होगी, sp3। यस, व्हाट अबाउट द ज्योमेट्री, पिरामिड। एलाइल कार्बन नहीं, एलाइल ड्रॉ करना मेरे को, बोलो क्या करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 शुड कैरी नेगेटिव चार्ज, एलाइल कार्बन नहीं। तो हमें इस वाले कार्बन की हाइब्रिड स्टेट निकालना है, क्या होगी, sp3 और sp2 P2। तो भैया इसका मतलब मैं मान लूं कि आप लोग समझ गए हैं कि इफ द लोन पेयर इज द पार्ट ऑफ द रेजोनेंस देन इट कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ हाइब्रिड स्टेट, इन दैट केस दैट मस्ट बी क्या होगा आपका क्लीनर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो भैया एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट एप्लीकेशन सर उसका नाम क्या बोला आपने, अलाइल, क्या कंपाउंड का नाम, अलाइल, एलाइल कार्बन है। बॉन्ड लेंथ एप्लीकेशन में सेकंड वर्ड लिखना आपको, बॉन्ड लेंथ लिया, यस लिखना आपको, इन रेजोनेंस बॉन्ड ऑर्डर चेंजेस सो डेट बॉन्ड लेंथ ऑल्सो भी चेंजेस। प्लीज रिपीट, इन रेजोनेंस बॉन्ड ऑर्डर चेंजेस सो डेट बॉन्ड लेंथ ऑल्सो भी चेंजेस। Sir, so that bond length also be changes. Right, Sony. Basic concept पे हो गया, structure of atom हो गया, basic principle of organic chemistry पढ़ रहे हैं अपन लोग, chemical bonding हो गया, periodic table हो गया, element of group one and group two। बाप रे क्या कर दिया हमने, कैसे कर दिया। चलो आगे बढ़े क्या, यस लिखो आप लोग, राइट द एक क्वेश्चन, राइट द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ
फोर ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ फॉर फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स क्लियर हाँ जी यस यार बात करें बच्चे हम लोग यहाँ लाइक लिखा है क्लोरीन लाइक लिखा है क्लोरीन एंड दैट इज बॉन्ड ए और दूसरे एग्जांपल में क्लोरीन एंड दैट इज बॉन्ड बी कंपेयर करना है ए और बी में बड़ा कौन होगा कर पाएंगे सर बी बड़ा हो सर बी बी बड़ा होगा तो बेसिकली व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट सर ए में डबल बॉन्ड कैरेक्टर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मतलब देयर इज अ व्हाट पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अरे बोलो हाँ है ना yes, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन दैट केस क्या होगा डबल बॉन्ड होगा इन दैट केस ये वाला बॉन्ड छोटा होगा मतलब हम क्या कह सकते हैं ए और बी में बी क्या होगा बड़ा होगा बोलो हाँ है ना सेकंड क्वेश्चन देखते बच्चे आप बोलो लिखा है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन कैरी सॉरी ऑक्सीजन ओ एच और यहां पर लोन पेयर बॉन्ड बनाया है ये वाला बॉन्ड गया इन दैट केस नेक्स्ट स्ट्रक्चर मस्ट बी सी एच थ्री ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज ओ एच पॉजिटिव लिखा है इट इज ए और ये लिखा है बी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी ए इज स्मॉलर देन बी चलो रिपीट करो क्वेश्चन ये लिखा ए ये लिखा बी और यहां पर मैंने इसका रेजोनेंस दिखा दिया ए एंड बी आर इक्वल ए एंड बी आर इक्वल तो यहां पर देखे बच्चे अपन लोग लिखा हुआ है इट इज सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं CH3 ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड ओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सर इक्वल दे मस्ट बी इक्वल व्हाई सो बिकॉज बोथ स्ट्रक्चर आर इक्वल अरे बोलो हाँ है ना यस तो बात करें बच्चे आप बोलो इन दैट केस हम कह सकते हैं ए मस्ट बी इक्वल टू बी बट व्हाट अबाउट दिस वन इस बॉन्ड पर डबल बॉन्ड भी हो सकता है और सिंगल बॉन्ड भी इस बॉन्ड पर सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है और डबल बॉन्ड भी बोलो हाँ है ना yes. तो yes. क्या ये दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट हैं ये मॉलिक्यूल इन दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन मेनली किसमें एग्जिस्ट करना चाहेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा उसके बेस पे बात होगी अरे बोलो हाँ है ना यस सर इन नेट के ज्यादा स्टेबल कौन सा लेफ्ट वाला और राइट वाला लेफ्ट वाला ज्यादा स्टेबल मतलब ए क्या होगा आपका डबल और बी क्या होगा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर मेंटेन करेगा यस सर मतलब बेसिकली बात कर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा लेकिन बहुत कम टेंडेंसी होगी उसकी होने की हमेशा ये मॉलिक्यूल क्या होगा इस फॉर्म में रहना चाहेगा बिकॉज इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल ना यस सर केस ए और बी बोलो रिलेशन क्या होगा बी बड़ा होगा और बी ग्रेटर देन ए इज लेस देन बी बोलो हां है ना A is less than B.
यस सर सर ये नहीं समझा क्या दिक्कत है बेटा एक बार वापस बता देंगे मैंने बोला ये वाला आयन और ये वाला आयन बोथ आर इक्वल यस सर हर एक रेस्पेक्ट से देखे अपन लोग दोनों इक्वल है तो डबल बॉन्ड आइदर यहां पर हो और यहां पर हो दोनों केस में क्या हो रहा है आपका स्टेबिलिटी तो बराबर ही है ना यस सर मतलब बोथ मॉलिक्यूल आर इक्वली स्टेबल 50-50% मान लेते हैं अपन पर इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है और ये कंपैरेटिवली कम है मैं ऐसा मान लेता हूँ यहाँ पे 60-40 का रेशियो ले ले रहा हूँ ये 20-80 का ले लो तो 80% में एचसीए करेगा 20% में यूज करेगा तो 20% को तो हम लोग निगलेक्ट कर देंगे ना अपन 80% के बेस पे कहा नहीं बोलेंगे बोलो हाँ ना यस सर नहीं है सुन में समझ OH बॉन्ड वाले में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कंपैरेटिवली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर बोलो हाँ ना यस सर मतलब आउट ऑफ 10 क्या होगा 8 टाइम्स क्या होगा यहाँ पर सिंगल आया और 8 2 टाइम्स क्या आएगा डबल आएगा इन दैट केस सिंगल बॉन्ड क्या होगा आपका डोमिनेट एक बात मान के रखी मैंने 80-20 तो बता लगी हाँ ऐसा होता है चलो एक और देखें NH2 NH B bond NH C bond What is the relation between A B and C Sir, A is greater than B. A is greater than C. Is greater than B. सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा होगा? A. सबसे बड़ा बॉन्ड A होगा. Always single bond character. बोलो हाँ है ना? Yes sir. और सबसे छोटा बॉन्ड कौन सा होगा? B. Sir B. B और C. B. B. सी नहीं होगा सी इंटरमीडिएट आएगा सर बी और सी में कंफ्यूज हो रहा है हेलो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आर इन कंजुगेशन मतलब सर बी वाले में वो हो ही नहीं रहा है डबल सिंगल डबल मतलब ये जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड इस पर टूटेगा तो अल्टीमेटली यहां पर क्या आएगा सिंगल बॉन्ड यस सर सर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे गया ये वाला बॉन्ड इस पर टूटा तो ये वाला बॉन्ड बेसिकली क्या होगा सिंगल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड दोनों कैरेक्टर रखे इन दैट केस क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर मस्ट बी लाई बिटवीन 1 and 2 तो इसकी एग्जैक्टली क्या होगी 1 ही होगी इसकी एग्जैक्टली कितनी होगी 2 होगी ना तो यहाँ पर रेजोनेंस है ना यहाँ पर रेजोनेंस है बस इसी मॉलिक्यूल में तो रेजोनेंस है नहीं समझा इन दैट केस क्या होगा सी की जो रहेगी दैट मस्ट बी इंटरमीडिएट और ये हो गया आपका बी क्लियर है ए बी सी डी कंपेयर दें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर जो भी आपको अच्छा लगे
बोलो भैया एनीवन सर सबसे बड़ा तो अच्छा अपने दूसरों सर किसका बना बताना है ऊपर वाले का कि नीचे वाले का पहले ऊपर वाले का बताओ ए सबसे बड़ा है ए सबसे बड़ा वाइस हो हमेशा सिंगल बॉन्ड प्रॉपर्टी हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा बिल्कुल सही भैया तो जब इसका रेजोनेंस बनेगा इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगा या कम स्टेबल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा बोलो ये सुनो yes. तो डबल बॉन्ड होने की प्रोबेबिलिटी बी एंड डी पर ज्यादा है कि सी पर ज्यादा है बी एंड डी पर ज्यादा है और सी भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर रख रहा है लेकिन सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर यस सर एक बात तो क्लियर हुई कि बी और डी जो भी होंगे दे मस्ट बी क्या होंगे आपके 100% इक्वल होंगे अब ये सी से ज्यादा होंगे कि सी से कम होंगे ये आप डिसाइड कर लो मैं लिख दूंगा सी बड़ा होगा बी एंड डी से यस सर यस क्या सी बड़ा होगा सही है क्या B equal T. Is it right or wrong? बोलो सर ये आला समझा नहीं हाँ यार मुझे भी समझ में नहीं आया चलो कौन समझा रहा है मैं समझाऊं ना ना मैं ही समझा रहा हूँ देख बात कर रहे हैं इसका रेजोनेटिंग स्टेयर बनाएंगे ना क्या होगा फॉर एग्जाम्पल इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा इस पर डबल बॉन्ड आएगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा बोलो आए ना Yes, sir. इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है लेफ्ट वाला कि राइट वाला सर लेफ्ट वाला लेफ्ट वाला ज्यादा स्टेबल दो बॉन्ड भी है नॉट पोलर है इट इज पोलर ठीक है मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड होने के चांसेस कम होंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड हो सकता है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो सकता है यहाँ पर डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो सकता है यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो सकता है बोलो हाँ ना लेकिन यहाँ पर हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड को सबसे पहले हटा के अलग कर दिया अब डबल बॉन्ड इस दोनों में यदि ये ज्यादा एक्स करेगा तो इसी के अकॉर्डिंग चलेगा ना तो डबल ये दोनों डबल है और ये क्या है आपका सिंगल है इंडेट के सिंगल बॉन्ड क्या होगा ज्यादा होगा डबल बॉन्ड क्या होंगे कम होंगे सर ए और डी और वो सी बॉन्ड ज्यादा नहीं हो सकता मतलब उन दोनों में एक बात बोलो ना क्या बोला सर ए और डी के बीच में बॉन्डिंग होंगी मतलब उसके बीच में जो है ना बॉन्ड वो डबल बॉन्ड होगा और ये सी वाला डबल बॉन्ड ऐसा नहीं होगा ए और ये है ए पता है ना यस सर उसके बीच में ए और डी के बीच में जो बॉन्ड है ए और डी डबल बॉन्ड कैसे आएगा रेजोनेंस कहां से लेके आएगा यहां पे नहीं सर वहां से टूट के इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहां से टूट के इलेक्ट्रॉन यहां पर क्यों आएगा ये तो sp3 हाइब्रिडाइज है ओ यस sp3 हाइब्रिडाइज है हां सर समझ गया हां कॉन्जुगेशन के लिए कुछ तो करो कुछ भी नहीं यहाँ पे क्या अब भैया इसका आंसर कोई कर पाएगा B is greater than A. A and C are equal or not? तो भैया A पर तो हमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है बोलो हाँ है ना yes. Yes. C में somehow एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी मेंटेन है In that case, single bond character थोड़ा काम हो जाएगा एक comparison में. Yes. Clear? नहीं समझा? Yes. एक कर दे. मैं बोल रहा हूँ C. यहाँ पे देख A दिख रहा है तेरे को? Single bond है. यहाँ पर A दिख रहा है C. Single bond है. और C यहाँ पर क्या है? Double bond है. और C यहाँ पर क्या है? Double bond. Single bond है. तो C either single और double bond के बीच में होगा. But A तो always भी single होगा ना? नहीं समझा? तो छोटा bond कौन सा होगा? C. C वाला होगा. चलो इन दोनों बोलो भैया ए और बी में रिलेशन ए इज ग्रेटर देन बी बी इज बी ग्रेटर देन ए हां सर बी ग्रेटर देन ए तो भैया देयर इज अ रेजोनेंस बोलो हां ना इन दैट केस बी क्या होगा छोटा होगा बी क्या होगा बड़ा होगा
छोटा हो जाएगा ए के कंपैरिजन में? यस सर। तो ग्रेटर होगा कि लेसर होगा? सर लेसर होगा। ये तो ग्रेटर देन ए बोल रही है। सर कैसे, एक बार फिर से बताओ ना। सर बी लेसर देन ए। मैं बोल रहा हूँ लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन ना। हाँ सर। मतलब दैट बॉन्ड कंटेन व्हाट, डबल बॉन्ड करेक्ट? हाँ सर। डबल बॉन्ड आ भी सकता है, मतलब क्या होगा ये जो सिंगल बॉन्ड है इस कंपैरिजन में छोटा बॉन्ड हो सकता है, लेकिन इट इज ऑलवेज बी सिंगल बॉन्ड ना। हाँ सर, हाँ सर समझ गया। सिंगल बॉन्ड रहेगा मतलब बड़ा होगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ सकता है इन दैट केस छोटा होगा। जी सर बोलिए। वो किसकी खड़ी थी, वो कौन सी वर्ना? नहीं वो वर्ना वो गई अभी, वो कितनी गलत तरीके से खड़ी थी साहब, वो उसको ढूंढा हुआ है कहां कहां मिली नहीं, अभी निकली हुई गाड़ी पर नहीं। छेद कर दिया करे टायरों में, हवा बट नहीं, हवा खुल दिया करे, कोई दिक्कत थोड़ी है ना सर। साहब बाल भाई, आप गाड़ी हम लोग गाड़ी में किसी में खुल गई हवा, हम तुम्हें खोल देंगे सर। साहब बाल भाई नीचे देंगे 5:30 बजे, क्यों कोई किसी गाड़ी आ रही क्या? 5:30 को बच्चे आ जाएंगे, 5:30 को बच्चे आएंगे, मेरी क्लास छूटी है, बात कर लूंगा सर। पूरा गाड़ा बच जाएंगे इधर क्या, पूरा गाड़ा बच जाएंगे अंदर। हाँ तो ठीक है, मैं चलता रहता हूँ, बोलता बच्चों से बोलो रुको आराम से, हम चल ठीक है ना। चलो एक और हो जाए क्वेश्चन। चलो एक अच्छा प्रश्न है, होपफुली आप लोग सही आंसर करेंगे। बोलना लेकिन सोच समझ के बोलना। इस वाले बॉन्ड को बोल रहा हूं ए, इस वाले बॉन्ड को बोल रहा हूं बी, इस वाले बॉन्ड को बोल रहा हूं सी, कंपेयर देम। C is greatest and A equals to B. तो C सबसे बड़ा होगा among them. Yes. A और B में बड़ा कौन होगा? B बड़ा होगा A से। B बड़ा होगा A से। क्या ये सही है? मुझे तो गलत लग रहा है। A equals to B होगा। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें सबसे अच्छे रेजोनेटिंग या सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग को उठा लो और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर दो, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, बोलो है ना? यस सर। अब यहाँ पर ये तो कॉमन सी बात है कि दैट इज या दैट हैव क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इन दैट केस सिंगल बॉन्ड इन कंपैरिजन में ये क्या होगा, छोटा बॉन्ड होगा। बट डबल बॉन्ड इन कंपैरिजन में क्या होगा, बड़ा होगा। वाइज हो बिकॉज सिंगल बॉन्ड रहना चाहेगा हमेशा, ये है ना, जस्ट फॉर स्टेबिलिटी। बोलो भैया समझ रहा है? चलो एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। ए बॉन्ड बी बॉन्ड सी बॉन्ड, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? बोलिए इक्वल। अरे बहुत बढ़िया मृणाल, कैसे कराएंगे तो इक्वल है क्या? और कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ जी
इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे, एक बार देख लेते यार। व्हाट इफ चार्ट, क्या ये बॉन्ड बना सकता है? नहीं, इन दैट केस ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर शिफ्ट होगा तो नया स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा, दैट शुड कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड देयर इज अ डबल बॉन्ड, सही है सर? यस सर। नेक्स्ट, ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तीन कार्बन थे, तीनों कार्बन पे कई बार पॉजिटिव चार्ज आ गया और डबल बॉन्ड यहां पर आ गया, मतलब ऑल ऑफ थ्री क्या है आपके, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। बोलो यस। इन दैट केस कह सकते हैं आप लोग ए बराबर बी बराबर सी होगा, एंड व्हाट अबाउट द रेजोनेंस हाइब्रिड, डबल बॉन्ड आर कंटीन्यूअस रोटेटिंग, बोलो हाई है ना, एंड होल मॉलिक्यूल कंटेन यूनिपॉजिटिव चार्ज। तो आइदर फ्रैक्शन ऑफ चार्ज लगा दो, ईच कार्बन कितना होगा, इट इज प्लस वन बाय थ्री, और ऐसा लिख दो जैसा अच्छा लगे आपको, मैं तो बस एक ही बात बोलूंगा कि भाई नया पेज नई हेडिंग, ये बेसिकली एप्लीकेशन पार्ट में आएगा रेजोनेंस के, क्योंकि आप लोगों को मैं फील करा करा के पढ़ा रहा हूं कि हाँ भैया समझ में आना चाहिए, अदरवाइज मुझे बोरिंग पढ़ाना भी आता है कि पढ़ाते जाऊंगा पढ़ाते जाऊंगा, आखिरी में एप्लीकेशन कराऊंगा, जब कराऊंगा तब मजा आएगा, लेकिन हाँ अभी तुम लोग बोलोगे कि यार कर क्या रहे हैं हम लोग, बोलो कैसा करना है, साथ में कुछ करते हुए करना है, मतलब क्वेश्चंस वगैरह करते हुए करना है, हाँ बस कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, बोलो। नहीं सर, क्वेश्चंस चाहिए, क्वेश्चंस कर दे, क्वेश्चंस करने के लिए ऑब्वियसली तुम्हें और टॉपिक लेना पड़ेंगे क्रेडिट्स में, है ना, तो नए पेज से बोल रहा हूँ, मतलब नए पेज से है ना, एरोमेटिसिटी, तो ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी हम कंपाउंड को तीन भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है एरोमेटिक, दूसरा होगा आपका नॉन एरोमेटिक, और तीसरा होगा आपका एंटी एरोमेटिक, ठीक है, उसके बेस पे देखिए अपन लोग सभी की डेफिनेशन लिख लेते हैं, बेटर रहेगा, तो पहला आइडिया लिखिए आप, एरोमेटिक कंपाउंड्स, लिख लिया yes, sir. लिखना पहला पॉइंट, दे आर मोर स्टेबल, दे आर मोर स्टेबल, ब्रैकेट में लिखना, देन देयर ओन थ्योरेटिकल स्टेबिलिटी, ब्रैकेट में लिखना, देन देयर ओन थ्योरेटिकल स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी कंपैरिजन में, थ्योरेटिकल स्टेबिलिटी आप कंपेयर करेंगे उसे कंपैरिजन में ही एक्स्ट्रा स्टेबल। सर एक बार ब्रैकेट फिर से रिपीट, से बोल रहा हूं स्टार्टिंग से, दे आर मोर स्टेबल, देन ब्रैकेट में लिखना, देन देयर ओन थ्योरेटिकल स्टेबिलिटी, समझ पा रहे हो उसको इसका मतलब? हाँ जी, थ्योरेटिकल स्टेबिलिटी क्या होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या होगा आपका डिफरेंट फिनोमेना अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द फिनोमेना, है ना, तो मैंने बोला कि बेंजीन अपने आप में स्टेबल होता है वाइस, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या होगा यार, रेजोनेंस, एक बड़ा रेजोनेंस होता है, कॉन्जुगेटिव सिस्टम होता है, इक्वल रेजोनेटिक्चर होते हैं सब कुछ, लेकिन इसके इसके कंपेरिजन में कोई ज्यादा ही स्टेबल होता वाइस हो, क्योंकि वो एरोमेटिक है ना, तो एरोमेटिक होना क्या होता है, स्टेबिलिटी लेके आता है, एरोमेटिक में और भी एक चीज आती है जो और भी ज्यादा स्टेबिलिटी आती है, दैट्स क्वासी एरोमेटिक, उसको भी अपन देखेंगे, तो फिलहाल में लिखो आप लोग नेक्स्ट पॉइंट, इफ इफ एनीवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सर ये इसी में है क्या? हाँ जी, सेकंड पॉइंट, इफ एनीवन
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल. इफ एनीवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक, is aromatic, then that molecule is considered as, then that molecule is considered as aromatic. Molecule ke baad kya tha? If any one resonating structure of a molecule is aromatic, then that molecule is considered as aromatic. मतलब उस पूरे molecule को aromatic ही बोला जाएगा. भले out of many resonating structure, at least एक structure aromatic city को follow कर रहा है. लिख लिया? Yes sir. Next point. ये next point ना लिखे. Either note point या फिर star point, जो भी आपको लिखना हो लिख सकते हो. ठीक ना? Benzene has exceptionally, सर ये थर्ड है, नोट पॉइंट, बेंजीन हैज एक्सेप्शनली हाई रेजोनेंस एनर्जी. हाई रेजोनेंस एनर्जी सर एक्सेप्शनली हैज एक्सेप्शनली हाई रेजोनेंस एनर्जी. And it is not due to resonance. And it is not only due to resonance. Not only due to resonance, but due to aromaticity. Sir, and it is? And it is kya bola? And sir, it is not only due to resonance, but due to aromaticity. Likh liya? Yes, sir. It means resonance bring stability. Resonance bring stability, while aromaticity give extra stability. While aromaticity give extra stability. Sir, while के बाद? While aromaticity give extra stability. लिख लिया? Yes, sir. Now, next point. Next note point लिख दा, कोई दिक्कत नहीं. ठीक ना? जो लिखना a lone pair which can form pi bond is considered to be pi electron pair भैया सिक्स थ्री स्टूडेंट है ध्यान रखना कल क्लास है ठीक है कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा सर पाई के बाद क्या होगा शाम को ही ना कंसीडर टू बी पाई इलेक्ट्रॉन पेयर लिया सर शाम को ही क्लास होगा ना नाउ नेक्स्ट पॉइंट शाम को भी होगी
सुबह हेनरी वालों की क्लास होगी ना केमिकल बॉन्डिंग सर रोल नेक्स्ट पॉइंट इफ एरोमेटिक कंपाउंड इफ एरोमेटिक कंपाउंड हैव मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इफ एरोमेटिक कंपाउंड हैव मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये नॉर्मल पॉइंट है ना हाँ जी देन इट इज मोर स्टेबल सर मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देन इट इज मोर स्टेबल लिख लिया तो भैया क्या होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड ये देखिए अपन लोग टेबुलर फॉर्म बना के अपन लोग कुछ कंपाउंड को चेक करेंगे कुछ सर्टेन रूल होंगे उनके बिहा पर अपन देखेंगे क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड नेक्स्ट लिखेंगे अपन लोग क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड ना इफ देयर इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इफ देयर इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इफ देयर इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन अ एरोमेटिक मॉलिक्यूल ऑन अ एरोमेटिक मॉलिक्यूल then it is considered as quasi aromatic मतलब कोई भी aromatic compound जिस पर charge होता है उसे क्या बोलेंगे अपन लोग quasi aromatic देखिए इसमें लिखना आप quasi aromatic compound are comparatively more stable quasi aromatic compound are comparatively more stable than aromatic compound comparatively more stable than aromatic compound and they are ionic in nature And they are ionic in nature. Clear? Sir, एक बार repeat करोगे? क्या? Sir, and more stable than के बाद में. More stable than aromatic compound, and they are ionic in nature. And they are ionic in nature. आगे लिखना आप लोग ड्यू टू देयर आयनिक नेचर सर उसी में कि दूसरा पॉइंट लिख तो जाओ सीधा एक ही पॉइंट चलना ड्यू टू देयर आयनिक नेचर दे हैव हाई वैल्यू ऑफ दे हैव हाई वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट कॉमा बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट सर एक बार वापस से बताएं नहीं पॉइंट ड्यू टू देयर आयोनिक नेचर दे हैव हाई वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड दे आर हाईली सॉल्युबल And they are highly soluble
इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो यू मस्ट बी नो अबाउट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, या पोलर सॉल्वेंट लिख दो, दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, तो पता है ना पोलर क्या होता है? यस, पोलर में दो कैटेगरी होती है, इधर प्रोटिक और एप्रोटिक, दोनों में ये क्या होगा आपका ज्यादा सॉल्युबल होगा। चलो आगे बढ़ेंगे भैया, तो एग्जांपल मैंने अभी फिलहाल में किसी में नहीं लिखा रहा, इन दैट केस कोई दिक्कत नहीं। तो यदि एरोमेटिक कंपाउंड एंड क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड को कंपेयर करा जाए, तो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड में चार्ज होने के कारण दी मस्ट बी क्या होगा कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, हम मानते हैं कि चार्ज है इन दैट केस क्या होगा लीस्ट स्टेबल, लेकिन ये क्या होता है चार्ज मतलब आयनिक नेचर हो जाने के कारण क्या होगा इट बिकम्स मोर स्टेबल। नाउ नेक्स्ट ना आप लोग नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एक सेकंड रुकना, नॉन एरोमेटिक मत लिखना, लिखना एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, लिखना दे आर सिमिलर टू एरोमेटिक कंपाउंड, दे आर सिमिलर टू एरोमेटिक कंपाउंड बट दे आर but they are highly unstable, clear sir? Similar to के बाद बताइए ना, similar to I aromatic compound but they are highly unstable, तो एक बात मैंने बोली जो aromatic से भी ज्यादा stable था, और एक क्या है आपका कुछ ज्यादा ही अनस्टेबल है, इसका नाम क्या है एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल, लिख लिया? Yes, तो बात करें बच्चे आप लोग, यहाँ पर मैंने बेसिकली तीन हेडिंग लिखाई एरोमेटिक, यदि मैंने यहाँ पर लिखा था तो एरोमेटिक के ब्रैकेट में आप कैपिटल ए से डिनोट कर दो, इसको हम लोग कैपिटल ए मानेंगे, क्वासी एरोमेटिक के लिए अपन लोग कैपिटल क्यू ए से डिनोट कर दो, और अभी राइट नाउ एंटी एरोमेटिक पढ़ाया मैंने उसको ए ए से डिनोट कर दो ब्रैकेट के अंदर, तो बार बार हम पूरा लिखेंगे उससे बेहतर ही होगा, इस रिप्रेजेंटेशन को यूज करेंगे ज्यादा बेटर होगा, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक ना, ऑल द कंपाउंड, all the compound except, all the compound except, all the compound except aromatic and anti aromatic compound, all the compound except aromatic and एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आर कॉल्ड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, तो नॉन एरोमेटिक को डिनोट कर दो बाय कैपिटल एन ए, ठीक है? तो मतलब क्वासी एरोमेटिक भी नॉन एरोमेटिक है? हाँ, एरोमेटिक तो क्वासी एरोमेटिक भी है ना, अरे जितने एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं सारे क्या होते हैं, सॉरी जितने भी एरोमेटिक, जितने भी क्वासी एरोमेटिक होंगे सारे के सारे एरोमेटिक होंगे, लेकिन सारे एटोमेटिक क्वासी एरोमेटिक नहीं हो सकते भाई, सो कि जिन पर चार्ज होगा बस वही होंगे ना क्वासी कहलाएंगे। यस सर, एक स्पेशल क्लास निकलेगी इसके अंदर, एरोमेटिक के अंदर आ गया, लेकिन है तो ये अल्टीमेटली एरोमेटिक ना सर। मुझे लगा ये चार अलग अलग कंपाउंड लिखे हमने। क्या सर? मुझे लगा चार अलग अलग कंपाउंड लिखे हमने। ना ना ना, अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कैटेगरी वाइज देखे अपन लोग,
अमंग देम सबसे ज्यादा स्टेबल कैटेगरी बोलो कौन सी होगी आपकी, क्वासी एरोमेटिक, अरे बोलो क्वासी एरोमेटिक के बाद में नेक्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा बोलो, एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक के बाद में क्या आएगा, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक मस्ट बी हाईली अनस्टेबल, इन दैट केस सबसे ज्यादा अनस्टेबल से अच्छा क्या है, नथिंग, नॉन एरोमेटिक, अब नॉन एरोमेटिक कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा नॉन एरोमेटिक इसमें कम से कम रेजोनेंस हो रहा है, दैट मस्ट बी कंपैरेटिवली मोर बेटर ना, ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहां पे कॉन्जुगेटेड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, इससे भी कम होगा आपको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड विदाउट रेजोनेंस और सबसे लीस्ट स्टेबल होगा या हाईली अनस्टेबल होगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, सर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सिमिलर कैसे एरोमेटिक से, बेटा सर हमने एंटी एरोमेटिक के डेफिनेशन में लिखा है कि वो एरोमेटिक के सिमिलर है, तो वो सिमिलर कैसे है, देखते ना बोलो कुछ कंडीशन होती है, कंडीशन जो एरोमेटिक की होती है सारी कंडीशन क्या होती है एंटी एरोमेटिक फॉलो करता है एक्सेप्ट वन कंडीशन, बस वो हो गया आपको डिस्कस करने के लिए, ओके okay. जो जो चीज हम एरोमेटिक में चेक करेंगे वो एंटी एरोमेटिक में भी चेक करेंगे, बस एक रूल के बेस पे, एक रूल इसके लिए होगा एक रूल उसको होगा, जिसको जो फॉलो करेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा हम डिक्लेयर कर देंगे एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक, ठीक है, यस सर, दैट इज स्टेबल दैट इज हाईली अनस्टेबल, क्लियर है, तो बात करें बच्चे अपन लोग देन आफ्टर अपन लोग को चाहो तो एक हेडिंग लिख लो आप लोग कंडीशन फॉर, कंडीशन फॉर एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, कंडीशन फॉर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, लिख लिया, यस सर, चलिए